पटना सिटी के चौक थाना अंतर्गत मथरी तल इलाके से बीते 13 मार्च को बाबा ज्वेलर्स दुकानदार की हत्या और रंगदारी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, जिसमें पटना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए जानकारी इकट्ठा कर इस हत्या में संदीप समेत 5 अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं पास से 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस के साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए पटना SP उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह गैंग राजधानी में काफी सक्रिय था और पुलिस को कई मामलों में एडमिशन लिस्ट 2 शातिर अपराधियों की तलाश थी, जिसमें पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। यह 2 शातिर अपराधी नीरज चौधरी और मनीष जायसवाल पर हत्या और डकैती के कई मामले थानों में दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। ज्वेलर्स से नहीं बल्कि लक्ष्मी ज्वेलर्स में इन्होंने कांड को अंजाम दिया था। अभी यह पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। वहीं पूछताछ में इनके द्वारा और भी अपराधियों की जानकारी मिली है, जिसके लिए छापेमारी जारी है। चौक थाना क्षेत्र में एक बाबा ज्वेलर्स हैं, उनके जो मालिक थे उनकी गोली मारकर शाम के समय में हत्या कर दी गई थी। उसका अनुसंधान किया गया था और उसके बाद ये पता चला था कि रंगदारी के लिए घटित और घटना के 3-4 दिनों के अंदर ही 4 अपराधियों को जेल भेजा गया था, लेकिन चूंकि वो लोग शूटर्स नहीं थे इसलिए हम लोगों ने पीसी नहीं किया था। उसका उद्भेदन 4 दिनों के अंदर हो गया था और उसमें पहली बार में 4 लोग जेल गए थे जिन्होंने पूरी घटना की प्लानिंग की थी और घटना में जो हथियार और जो बम इस्तेमाल हुआ था और गाड़ी इस्तेमाल हुआ था वो मुहैया कराया था और लाइनर की भूमिका निभाई थी। उन लोगों का नाम था गौरी कुमार, नीलेश जायसवाल, अमित कुमार, सोनू कुमार। इन लोगों को पहले जेल भेजा जा चुका था, उसके बाद से शूटर्स की तलाश थी और हम लोग ने अब उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों का नाम है नीरज चौधरी, शिवशंकर कुमार उर्फ रेहांस, मनीष जायसवाल, अरविंद कुमार और विनोद कुमार। ये घटना जो हुई थी ये इसकी साजिश जेल से रची गई थी, जेल में एक अपराधी बंद है जिसके इशारे पर यह घटना घटी थी। और इस घटना के पहले घटनास्थल के सामने ही एक और ज्वेलर की दुकान है, उसके ऊपर भी फायरिंग की घटना हुई थी। उन केसेस में ये लोग वांटेड हैं। अभी भी इसमें 2 लोग गिरफ्तार होना बाकी हैं, जो लोग मौका वारदात पर शूटर का काम किए थे। कुल 4 शूटर गिरफ्तार हो गए हैं और एक और साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। बरामदगी में 2 पिस्टल है, 4 मैगजीन है, 12 गोलियां हैं। 2 घटनास्थल में जो बाइक उपयुक्त हुई थी उसको बरामद कर लिया गया है। 6 मोबाइल है और घटना में जो इन लोगों ने पोशाक पहना था उसको भी बरामद किया गया है और उसको FSL से जांच कराया जा रहा है, जिसमें कि कुछ साइंटिफिक एविडेंस उसको भी मिल पाए। कहाँ से अरेस्टिंग हुई है? इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है अगम कुआ और दूसरा का एक आदमी का बहादुरपुर थाना क्षेत्र से। 4 आदमी अगम कुआ से और एक बहादुरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। रंगदारी कितनी मांगी थी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जिससे रंगदारी मांगी गई थी वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन लोगों ने रंगदारी के लिए कॉल ज़रूर किया था, इन लोगों ने हमको बताया है और उस कॉल का शायद कॉन्स नहीं लिया था मृतक ने, जिसकी वजह से दहशत फैलाने के लिए उन्होंने घटना की। प्लानिंग के पीछे कौन? जेल में बंद एक अपराधी है जिसने घटना का जो साजिश रचा था। विदेशी जमाती को जो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग पिछले महीने 23 तारीख को 2 जगह पर दीघा में और गुरुवारी में 17 विदेशी पकड़े गए थे। किर्गिस्तान का पासपोर्ट उनके पास था, सभी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे और शुरू में उन लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया था और उन लोगों को प्रिलिमिनरी जांच कराया गया था एम्स में कोरोना के लिए और कोई सिम्टम नहीं पाया गया था तो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी क्वारंटाइन के लिए। उसके बाद से जब अचानक से कुछ तबलीगी जमात के लोगों की दूसरे राज्यों में मृत्यु हुई थी और कोरोना से मृत्यु हुई थी उसको उसके बाद हम लोगों को निर्देश हुआ था कि इनका भी कोरोना जांच कराना है। इन सभी का कोरोना जांच कराया गया था, प्रॉपर सैंपल लेके रिम्स में इनका जांच हुआ था RMI में। उसके बाद उसमें कोरोना नेगेटिव आया था और अभी इन लोगों पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया है MHA गाइडलाइन के हिसाब से। उसमें ये लोग पूरी वीज़ा पे थे और इन लोगों ने अपने बयान में बताया था कि ये लोग डिफरेंट धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे और धार्मिक जमातों में पार्टिसिपेट कर रहे थे और रिलीजियस प्रीचिंग्स में हिस्सा ले रहे थे, जो कि वीज़ा के कंडीशंस का उल्लंघन है। सेक्शन 14B फॉरनर्स एक्ट में FIR दर्ज किया गया और इन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। फिलहाल ये लोग जेल चले गए, बट वो प्रिजन सेक्शन नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने वीज़ा वायलेशन, वीज़ा जो टर्म्स है उसके गाइडलाइंस का वायलेशन किया है। इसे सेक्शन 14B में
एफआईआर दर्ज किया गया। जिनके कहने पे जो घटना है थे उनके क्या उनको भी कार्रवाई हुई? नहीं, क्लियर नहीं हुआ सवाल आपका। जिनके कहने पे जो आए थे विदेशी यहाँ पटना में मरने का आयोजन में जो शामिल हो रहे हैं, फिलहाल मैंने आपको बताया कि वीजा के उल्लंघन शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया। इन लोगों के पास वीजा टूरिज्म का था और ये लोग टूरिज्म के अलावा और भी कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए एफआईआर दर्ज। यानी बाकी अनुसंधान में जो आप बता रहे हैं वो अनुसंधान का पार्ट है, किसके कहने पर आए थे, कौन लोग इनके साथ घूम रहे थे, वो बाद का अनुसंधान का विषय है, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ रुके हुए थे सर, फिलहाल ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को बाहर से और डिफेंस एजेंसी से मिली है उनको वेरीफाई किया गया है। और वैसे पटना में इन लोगों के अलावा किसी और तबलीगी जमात में निजामुद्दीन वाले में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति का हम लोग इनपुट नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।